दोस्तों नमस्कार, एनुअल डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत। दोस्तों अमेरिका के पास कई सारे आधुनिक फाइटर जेट्स मौजूद हैं और उसी के दम पर वह दुनिया में रक्षा क्षेत्र में महाशक्ति के तौर पर स्थापित है। इसी कड़ी में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएस एयरफोर्स ने हाल ही में जानकारी दी है कि वह T-7A रेड हॉक्स श्रेणी के विमानों को अगले जेट विमानों के तौर पर देख रहा है और इसी को लेकर उन्होंने अपने पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए F-22 और F-35 जैसे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का एक नया डिजाइन और अनुकरण T-7A रेड हॉक्स के रूप में तैयार किया है। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना इसे उड़ाने की योजना भी बना रही है। वहीं पहला T-7A रेड हॉक्स ट्रेनर 26 अक्टूबर तक आगे के परीक्षण के लिए पूरे देश और आधे रास्ते में कैलिफोर्निया के एडवर्स एयर फोर्स बेस तक उड़ा और प्रशिक्षण दिया गया। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी T-7A रेड हॉक्स फाइटर जेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी खासियत और इसके एडवांस तकनीकों के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एनुअल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। T-7 रेड हॉक्स ट्रेनर जो कि एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है और हाल ही में अमेरिकी वायुसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला बनाते हुए नजर आ रही है। इसी के तहत अमेरिकी वायुसेना इस फाइटर जेट्स को लेकर अपने पायलट्स को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है, जिसका पहला चरण 26 अक्टूबर के आसपास कैलिफोर्निया में एडवर्स एयर फोर्स बेस पर देखा गया। वहीं इस पर वायुसेना के T-7 कार्यक्रम के प्रबंधक कर्नल किट्स कैसल ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वह सेवा के पहले T-7 परीक्षण पायलट की ट्रेनिंग करवानी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि T-7A रेड हॉक्स होगा वायुसेना का अगला जेट विमान। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि वायुसेना ने अपने 351 पुराने T-504 टैलोन प्रशिक्षकों के बदले 38 रेड हॉक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही वायुसेना और बोइंग के बीच भी एक करार हुआ है, जिसमें कई सारे पायलट्स को ट्रेन करने की योजना बना रहे हैं। तो T-7A रेड हॉक्स अगली पीढ़ी के विमान है जो कि काफ़ी एडवांस वेपनरी के साथ लैस होने की संभावना है। हालांकि इस पर अभी पूरी जानकारी निकल के नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूएस आर्मी और साथ में यूएस एयरफोर्स अपने अगले पीढ़ी के विमानों पर काफ़ी तेजी से काम कर रही है और T-7A रेड हॉक्स उनका अगला चुनाव हो सकता है। दोस्तों डिफेंस अपडेट से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।